हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बात करेंगे। मैंने सेक्शन 3, सेक्शन 4 सारे के ऊपर वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उसे जाकर के देख लीजिए, ताकि आपको इंडियन एविडेंस एक्ट अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन 5 बात करता है एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स एंड इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। एविडेंस में बी गिवन एनी सूट और प्रोसीडिंग, जो भी एविडेंस दिया जाता है किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, किसी भी फैक्ट एंड इशू का एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को दर्शाने के लिए, एंड ऑफ सच फैक्ट्स ऑफ और हेयर इन आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट। उन सारे फैक्ट्स एंड इशू को हम लोग रेलिवेंट मानते हैं, एंड ऑफ नो अदर्स। हेयर इन आफ्टर का मतलब यहाँ पर यह है कि सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 55 तक सारे फैक्ट्स अगर रेलिवेंट हैं तो उन्हें रेलिवेंट माना जाएगा। यानी कि अगर सारे फैक्ट्स 6 से लेकर के 55 तक में फॉल करते हैं, सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 55 में अगर फॉल करते हैं तो उन्हें रेलिवेंट माना जाएगा। उसके अलावा कुछ भी फैक्ट्स रेलिवेंट नहीं होंगे। सेक्शन 5 का इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। ए ट्राई किया गया है किसके, बी के मर्डर के लिए, बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब। उसने क्लब से उसको मारा विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ, कि बी की डेथ हो जाए। इस इंटेंशन से ए ने बी को मारा। एट एज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इन इशू। अब ए के ट्रायल में ये सारे फैक्ट्स जो यहाँ पर लिखे हुए हैं वो फैक्ट्स इन इशू होंगे। एज बीटिंग बी विद द क्लब, ए ने बी को क्लब से मारा। एज कॉजिंग बी होगा, यहाँ पर बुश लिख गया गलती से। एज कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, बी कॉज कर रहा है बीटिंग की वजह से क्योंकि वो उसको मार रहा है। एज इंटेंशन टू कॉज बी, और ए की इंटेंशन है कि बी की डेथ हो जाए। तो ये सारे फैक्ट एंड इशू हैं। आप पढ़ने के लिए इलस्ट्रेशंस और सारे पढ़ने के लिए आप बेयर एक्ट से भी इलस्ट्रेशंस पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से, अपने आप से, ताकि आप लोगों को और सारे इलस्ट्रेशंस भी समझ में आ जाएं। आई होप आप लोगों को सेक्शन 5 समझ में आ गया होगा इंडियन एविडेंस एक्ट का। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।